अब नीलम जी की तारीफ करना तो सूरज को चिराग दिखाना है, क्योंकि जब से हमने जब से दूरदर्शन की बात जब करते हैं तो नीलम जी के बगैर होती नहीं है वो। तो मेरा सवाल ये है कि आप इतनी आपकी जो इमेज है बेबाक फायर ब्रांड ये वो सब आपने खुद ही बताया अभी, तो कोई ज़िंदगी में ऐसा लगता है रिग्रेट आपको कि जो आपको करना चाहिए था उस टाइम आपने नहीं कर पाया? जब सब ऐसा है परवेज सब ऐसा है कि मतलब मेरा ये जो जर्नी रही है ना, जो बाहर से बहुत जलवे नज़र आते हैं परंतु इंटरनली आई गॉट रियली बैडली इमोशनली डैमेज्ड बिकॉज आई हैड नो लाइफ ऑफ माय ओन। मेरे को अपने लिए समय नहीं मिलता था, अपनी फैमिली के लिए समय नहीं मिलता था, मैं इतने दिन घर नहीं जा पाती थी काम के कारण। तो देर वॉज एंड देर इज़ अ ह्यूज वैक्यूम इन माई लाइफ एंड आई डोंट माइंड इट बिकॉज हमें सबको जैसे शिव भगवान ने जहर पिया था और वो नीलकंठ कहलाए थे, तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो हमें करना पड़ता है। बट एज अ मदर आई फुलफिल माई ड्यूटी टूवर्ड्स माई सन टू द कोर एंड द होल वर्ल्ड नोज अबाउट इट। उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए थे। और बाकी पर्सनल लाइफ में तो फिर आई वॉज सो यंग, I was alone. All the big shots used to try to trap me. I would never come into their net and they would become my enemies. You know? So, वो एक emotional vacuum तो रह जाता है. पर मैंने फिर उसके साथ जीना सीख लिया. That helped me to become a very emotional person. और वैसे अगर आप ये कहना चाहेंगे कि मैं एक सूफी सन्यासी पत्रकार हूँ तो वो बहुत मायने रखेगा. और मैंने पत्रकारिता में सूफिज़म को अपनाया, पत्रकारिता में मैंने सैक्रिफाइस किया बहुत कुछ, और वो इसलिए कि वो मेरा जज्बा था। दूसरा ये कि आपने जिंदगी के रोल प्ले किए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया आपने, एंकरिंग की, कैमरा लेके निकली, प्रिंट में लिखा, फिर काला कोट भी पहना जी, और अब ऑटोबायोग्राफी लिख रही हैं। हाँ। तो कौन सा रोल सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? जी मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद रोल है पोइटिस का। अच्छा, वो भी है जो मैं कविता लिखती थी। अच्छा, और उसमें मैंने महिलाओं के स्वरूप के ऊपर एक कविता लिखी है। हाँ। और जिसका नाम है मैं हूँ गंगा। कि आप भी कह रहे थे कि जितनी भी खातिन आपके जीवन में आई आप उनकी कितनी इज्जत करते हैं। ये पीड़ा और जो मैं देखती थी अपने आसपास महिलाओं के साथ होते हुए भी, तो मुझे लगता था मैं इनके लिए कुछ करूं। और ऐसा नहीं है कि महिलाएं हेल्पलेस होती हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग यू नो, बट सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसिस एंड स्पेशली इन आवर कंट्री हमारे देश में महिलाओं को इतना सशक्त नहीं किया जाता। जब मैं यूरोप में जाती थी तो आप आज भी जानते हैं यूरोप की हेड्स हैं, जजेस हैं, एंड दे आर वेरी एम्पावर्ड, लॉज आर इन फेवर ऑफ वुमेन यू नो, एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अ डिवाइड, अ फेमिनिस्ट डिवाइड ऑफ मैन एंड अ वुमेन, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ इक्वालिटी विच इज़ मिसिंग इन आवर कंट्री। फिर मैंने ये जो कविता लिखी गंगा के स्वरूप के ऊपर, मैं हूँ महिला, मुझ पर है त्र्यंबकार वरदान, शिव की जटाओं से आई हूँ मैं, कौन रोकेगा वेग को मेरे। लोग सोचते हैं ना नीलम बहुत तेजी से चलती हैं, तो गंगा का वेग तो कहाँ से आता था, वो तो अगर अपने आप से आ जाता तो पूरे सृष्टि का विनाश हो जाता। तो शिव ने वो गंगा के वेग को अपनी जटाओं में ले लिया कि पृथ्वी का विनाश ना हो। तो महिलाओं का जो अंतःकरण है उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। फिर वो कहते हैं कि महिलाओं के कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन उठ जाते हैं, अरे वो तो शी इज़ यू नो दिस दैट दैट, आई मीन इट्स वेरी ईजी टू टॉक अबाउट वुमेन लाइक दैट। तो फिर मैंने कहा कि आप गंगा में जाते ना गंगा जल लेने और वो पी के पवित्र होते हैं, तो मैं कह रही हूँ मैं हूँ गंगा, मेरी पवित्रता की चिंता तुम मत करो, ले जाओ मुझे अपनी पवित्रता के लिए, ले जाओ मुझे अपनी पवित्रता के लिए। वेग मेरा रुक नहीं सकता, मेरा जो प्रवाह है ना वेग मेरा वे रुक नहीं सकता, क्योंकि शिव की जटाओं से आई हूं मैं, धारा मेरी धारा का अमृत है, धारा मेरा धारा का अमृत है, शीतल सुंदर कोमल। तो ये है गंगा, ये है महिला, और ये मैं हूँ, ये हमारी सीमा जी हैं, ये हमारी प्रवीण है, ये हमारी आज की सब बच्चियां हैं, और ये मैं महिलाओं के बारे में निकलवाई आप जी आपने वो बात निकलवाई जो बहुत लोग नहीं निकलवा पाए। और दूसरी बात में एक कंप्लीट देना चाहता जी कि आपके मेरे बीच 11 साल पहले छोटी सी घटना हुई थी। हाँ जी, इलेक्शन की। हाँ जी, प्रेस क्लब के इलेक्शन। वो भी है नीलम जी की उस 11 साल उस छोटी सी घटना, वैसे नीलम जी मुझे पकड़े रहा हुआ है, इतना सम्मान, इतना अफेक्शन,
परवेज साहब, उसमें आप अपना तो नहीं बता रहे हैं कि जब आप चुनाव जीते थे और उस समय कुछ ऐसी धारा चल रही थी कि अप डाउन एंड आई वाज द फर्स्ट लेडी कबीर साहब टू एवर डेयर टू कॉन्टेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ अ प्रेस क्लब विच इज लाइक यू नो दैट इज लाइक अ डेन ऑफ मीडिया यू नो. तो मैंने हिम्मत करी और परवेज साहब के खिलाफ मैं लड़ी और परवेज साहब मुझे बोले कि आप जीतेंगी. मैं इनको बोलूँ नहीं नहीं मैं चाहती हूँ आप जीतें. और वो इतना सौहार्द के एटमॉस्फेयर में हुआ और परवेज साहब जीते. फिर इन्होंने मेरे को अपने जो इनकी प्लेज की बुक्स थी वो मेरे को गिफ्ट करी और मेरे को गाड़ी तक छोड़ने आए. और जो इनकी मेरे ऊपर इनायत रही उसको मैं कभी नहीं भूल पाई. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू.